हाँ करती है, तभी तो कर रही है। यार फोन तो मेरे पास भी है, तो तो उससे कहना हमसे भी कर लेगी फोन पे बात। जबरदस्त, तो सुंदर सुंदर है यार, कितने मत कमा सेट भी तो हो जाती है। राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है 20 नवंबर और जस्ट आज कोई काम वाम नहीं है, बस मेरे को जिम जाना है, इसको अपने ऑफिस जाना है, थोड़ा सा काम खत्म करके इसको आ जाना है, फिर मेरे को भी थोड़े मोटे काम है वो निपटाऊंगा मैं। मेरे को मट्टी का तेल लेके आना है क्योंकि ये जरूरत थी कहीं पे, तो वहाँ पे डालना है, तो मैं फिर वो लेने जाऊँगा अभी बस। दैट्स इट। चलिए आपको दिखाते हैं आज क्या क्या होने वाला है। आज छोले बने हैं, छोले और ये क्या सिंगाड़े उबाल लिए। सिंगाड़े? क्या बात है, मेरे से तो उठा ही नहीं। ये काले क्यों रखे? काले होते, काले हो जाते हैं उबालने से। ये सिंगाड़े, ये छोले और रोटी, मजा आ जाएगा। तो भाई आज मैंने एक आइडिया सोचा है, मम्मी को मैंने समझा दिया, मम्मी साथ देना आपको मेरा, तो वो बाहर बैठी है, ड्रामा देखो अब आप जबरदस्त अच्छे से ना, मैं गुस्सा दिलाने वाला हूँ उसे, है ना, आप थोड़ा सा साथ दे देना। अगर आपके पास बातचीत आए ना आपसे बोले तो आप मेरा साथ देना। अरे बाहर क्यों बैठी है, तुझे एक बात बताऊँ है, मेरे को एल्बम में रोल मिला। एल्बम? हाँ ऐसे घर बैठे मिल गया। अरे मेल आई अभी। किसकी? एल्बम से, सोम की। हाँ सच्ची? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, मेल चेक कर ले। कहाँ पे हैं? कहाँ से आई? देख अभी बताता हूँ तुझे, चल तो सही। सॉन्ग मिला है? अरे सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग। नाइस। अरे ऊपर से मस्त। लैपटॉप कहाँ रखा है? चेक कर, बैग में होगा। ये ना। अरे एकदम जबरदस्त, लोंडिया के साथ। एल्बम तो लोंडिया के साथ ही होगी डेफिनेटली सी। अरे लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं यार उसमें, तो स्क्रिप्ट पड़ी मैंने जब देखी तो। घर पे नहीं आ रही आपके, सिर्फ एल्बम में ही होंगी वो। हां तो लेकिन बहुत सारी है यार, जबरदस्त, सुंदर सुंदर है यार, कितने मत कमा सेट भी तो हो जाती है। क्या कहती है यार, इतनी सुंदर लड़की थी, मैं देख के हिल गया, मैंने फोटो देखी उसकी, देख फोटो भी होगी इसमें। मतलब ये बताते हैं ना कि वो पहले कह रहे थे तुम पहले एक साथ दोनों डेट पे चले जाओ, उसके बाद जाके तुम फिर कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद एल्बम कर लेना। टिंडर का काम कर रहे हैं क्या वो? नहीं तो फिर सोंग है सोंग। तो पहले डेट पे चलो फिर वो करा लो सोंग। हाँ नहीं मना कर दूंगा। चुप रहे, मैंने तो हाँ भी कर दी, भेज भी दिया, मैं जा रहा हूँ, मैंने तो यस भी कर दिया, रिवर्ट कर दिया सब कुछ, कहानी खत्म, अब मैं जा रहा हूँ कल। उन्होंने कह दिया था कि एक काम करो पहले यहाँ आ जाओ एक हफ्ते के लिए, 3-4 दिन डेट पे थोड़ा घुमाया ना लड़की, सब मूव पिक्चर जिसे कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर तुम सॉन्ग आपस में कर सकते हो, क्योंकि कुछ सीन वैसे हैं। किसी कॉन्टैक्ट लेने जा रहे हो? कोई कॉन्टैक्ट नहीं जाओगे आप? कुछ सीन ऐसे बता रहे थे इसलिए कहा मैंने। तो क्या सीन बता रहे थे? मतलब थोड़े रोमांटिक सीन थे उसमें, तो इसलिए उसने कहा। क्या हुआ, शांत हो गई? मना कर दो इसका, अच्छा खासा काम चल रहा है आपका, कोई जरूरत नहीं वो करने की सॉन्ग को। मैंने तो यस भी कर दिया, भेज भी दिया, क्या इतने गंदा माहौल होता है वहाँ का, पीना खाना और ये और वो उपड़ांग उपड़ांग चीजें, क्यों दिमाग खराब करे फालतू वहाँ जा करके? अरे एल्बम सॉन्ग मिला है। हाँ तो सो व्हाट, नहीं जाना है? हैं? नहीं जाना है। अरे मैंने तो यस भी कर दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे एक बार पूछा आपने, पूछना ऐसी चीज, अभी तो खुश हो रही थी और मैंने बता दी जरा कि नहीं, तो आप कह रहे रोमांटिक सीन था, देखो मुझसे पूछा आपने कि मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं उस चीज पे, तो एक्टिंग है यार, एक्टिंग में तो कर ही सकते हैं। आपके उससे लग नहीं रहा है कि एक्टिंग है ये? नहीं नहीं एल्बम में तो एक्टिंग ही होगी ना, होता है ये। दे मैं बताता हूँ, जब मैं मॉडलिंग करता था वहाँ पे, उस टाइम पे भी ये था कि थोड़े चलो लड़का लड़की कंफर्टेबल हो जाते थे, अब यहाँ पे ये है कि थोड़े सीन देने तो उससे पहले थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, वरना शूट पे ना कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मार्क्स बाय GHC प्रोडक्ट को, जो कि एक कैप्सूल की फॉर्म में है, जो एक वेट लॉस प्रोडक्ट है, जिसे मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। अगर मैं इसकी कैप्सूल्स की बात करती हूँ तो कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आपको इसमें मिलेंगे, जो कि आपको लेने हैं खाने से, आपको एक खाने से पहले आपको गर्म पानी के साथ इनको लेना है, और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं काफ़ी दिन से इसको ट्राई कर रही हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट लॉस हुआ, अप्रॉक्स 5 kg तक मैंने इससे वेट लॉस किया है। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है आपका, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा, स्लिमिंग ऑयल, मार्स बाय GHC का स्लिमिंग ऑयल।
इस ऑयल को आपको अपने जो एरियाज हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल टमी पर आपके अगर बहुत ज़्यादा वेट है या बैक साइड पे आपके कर्व्स पे बहुत ज़्यादा वेट है, तो वहाँ पर आपको लगाना है एंड आपको जेंटली से मसाज करना है. सिर्फ लगाकर नहीं छोड़ना है, अच्छे से मसाज करना है. रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ. आप इन दोनों को साथ में ट्राई करेंगे, बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं, डजन मीन कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये तो अपना काम करेगा ही करेगा, बट आपको इसके साथ एक हेल्दी डाइट को भी फॉलो करना है, जिससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. मेरी साइड से इन दोनों प्रोडक्ट्स को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी. बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है, पर्सनल रिव्यू मैं अपना शेयर कर रही हूँ. आप भी यूज़ कीजिए इसे, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है. नहीं जाता फिर कहीं नहीं जा रहे हो आगे, समझ में? ओह नो. चलो कि मैं तो डन कर दिया है. मेरे ना कपड़े पैक कर दियो और थोड़े एक दो और सर्दी के निकाल दी, कब तक ठंडा हो. पहाड़ वाली एरिया होता है ना, जैसे व्यू बड़ा अच्छा है वहाँ का, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा ना लद्दाख वद्दाख साइड, उस साइड पे वीडियो बने. ठीक है चलो, कहीं नहीं जा रहे, क्लियरली बता रही हूँ मैं आपको. दिक्कत क्या है? मैं बोल दे, कहीं नहीं जा रहे हो. अरे तू तो रोना चालू कर दिया. अरे यार ये क्या बात होती है? अरे यार इतनी सी बात हुई, ये तो रोना चालू कर दिया इसने तो. हाँ छोटी मोटी जो एल्बम है, एक पहली एल्बम से वहां स्टार्टिंग हुई है. हाँ तो इतना थोड़ी ना होता है. चल यार ठीक है यार, नहीं जा रहा. मैं इतना नहीं कर सकते. हाँ ठीक है, नहीं जा रहा उसके लिए. रोना धोना चालू कर दिया बड़े मुझे से. और नहीं जा रहा यार पक्का. आई नहीं जम्मेल. आई नहीं जम्मेल. सपना था ये तो मेरा, बता दिया तुझे मैंने. ड्रीम भी तो होता है कोई. अपना सपना था एल्बम में रोमांस करेंगे किसी के साथ, वही नहीं. मेरी भाई फोन पे बातें कर रही है, अभी देखते हैं मैं उससे क्या बात करने वाला हूँ. भाई हाँ अरे फोन पे बात कर रही है हैं? है? फोन पे बातें कर रही है. हाँ एक मिनट लाइन पे. क्या हुआ हैं? क्या हुआ यार फोन पे बातें कर रही तू? हाँ कौन है? फ्रेंड है. वो फोन पे बातें करती है? हाँ करती है, तभी तो कर रही है. यार फोन तो मेरे पास भी है. तो उससे कहना हमसे भी कर लेगी फोन पे बात. क्या गलत बोला भाई, फोन तो हमारे पास भी है. अरे यार हमसे भी. अरे अरे तो अरे तो क्या दिक्कत है, हमसे भी बात कर लेगी. फोन तो हमारे पास भी है. यार तो हमसे कर लो यार, हमारे क्या दिक्कत करती यार. हमारे पास भी फोन है, अच्छा वाला फोन है यार. ये ले, इतना बढ़िया फोन है यार, कैमरा भी अच्छा है इसका यार. इससे इतना क्या होता है? सोच तो लिया, किससे बात कर रही हूँ. अरे तो ये फोन तो हमारे पास भी है. हमारे में फोन में क्या आग लगी हुई है? कीड़े पड़े हुए हमारे फोन में. कीड़े डाली दो उसमें. तो यार हमारे से भी बात करा दो थोड़ी सी, क्या दिक्कत है यार. सोच तो लिया, कोई नई फ्रेंड है, पुरानी फ्रेंड है, कैसी फ्रेंड है? पुरानी हो नहीं हो, अच्छी होनी चाहिए. आपको समझता कोई नहीं समझता मजाक को. अरे तो अच्छी हो बुरी हो क्या फर्क पड़ रहा है, बात होनी चाहिए बस हमारी. तो हम कौन सा उनसे रेगुलर बात कर रहे हैं, तुमने फोन पे बात करने के लिए कह रहे हैं हम तो. क्या है यार भाई, क्या गलत बोल दिया बस भाई. फोन पे वो भी बात करती, इससे भी कर रही है, हमसे भी कर लेगी. कैसा लगेगा, क्या सोचेगी? मेरे पति लाइन मार रहे हो, बताइयो मत ना. मैं तेरा पति हूँ. जिम के लिए तैयार हो रहे हो? हाँ यार, यार आज यार हो जिम. ट्रैक से तो बड़ा सही लग रहा है. हाँ ना, जूते ही बड़े सही लग रहे हैं. हाँ जूते तो सही लगेंगे ही. ओके वाह, तो लगने भी चाहिए. कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? वो कल मंदिर गया था ना मैं, वहां से चोरी कर लिए. मंदिर से चोरी किए? क्यों, तेरे को ना पता? मैंने गिफ्ट किए थे तो बोल रही हूँ. हाँ तो फिर क्या बोले, कहाँ से लिए? ये नहीं बोलो मैंने गिफ्ट किए. हाँ मंदिर से चोरी कर ली मैंने. आपको छोड़ो, शूज तो कमाल लग रहे हैं. वाओ नो नो नो, शूज शूज दिख रहे हैं बस. माइंड ब्लोइंग. मैं दूसरे जूते लाऊंगा, दूसरे जूते दे दे मेरे को. रिबॉक शूज की बेइज्जती कर रहे हो. कोई बात नहीं, मेरे दूसरे जूते कहाँ हैं? दूसरे तो मैंने धो दिए. कोई नहीं, मैं फॉर्मल शूज पहन के जाऊंगा जिम आज. ट्राउजर और टी शर्ट भी पहन लो. तो गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में. तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करे, लाइक करे भी ना मत जाना. और अच्छा लगता है शेयर जरूर कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चा भाई लोग जो भी है. चलो ध्यान रखो अपने, अपने माता पिता ध्यान रखो. जय राम जी की.